आज हम एक ऐसी यूनिक और टेस्टी शाही सब्जी बनाने वाले हैं, जिसका स्वाद सचमुच अद्भुत और अनोखा है। तैयार हो जाइए अपने स्वाद के लिए एक शाही डिश के साथ, जो बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट से तैयार होगी। सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम लंबे अंगूर लिए हैं। आप राउंड आकार के अंगूर भी ले सकते हैं। इन्हें 2-3 बार धो ले। अब सब अंगूर को बीच में से कट लगा ले। ऐसा करने से मसालों का फ्लेवर अंगूर में अंदर तक जाएगा। इन सब में कट लग चुके हैं, अब इनको एक तरफ रख ले। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। 3 से 4 चम्मच खरबूजे के बीज ले 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेक ले। इनकी जगह आप काजू भी यूज कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, सीड्स को हमेशा ताज़ा ही यूज करें। ज्यादा समय रखने से इन सीड्स में स्मेल आने लग जाती है। खरबूजे के बीज रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें बिल्कुल ठंडा करें और ग्राइंडिंग जार में पीस ले। अगर आप सिंधी कुजीन के शौकीन हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी लिंक दिए हुए हैं। ग्रेवी के लिए पीसे हुए पाउडर में 3 से 4 छोटे टुकड़े अदरक डालें, 2 से 3 हरी मिर्च, ताज़ा पुदीना, आधी कटोरी घर की जमी दही डालें और इन सबको अच्छी तरह पीस लें। दही हमेशा ताज़ा लें, खट्टी ना हो, वरना आपकी सब्जी खट्टी बनेगी। मसाला अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है, अब इसे एक तरफ रख लें। अब हम सब्जी पकाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन लें, उसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच घी गरम करें। अब कुछ खड़े मसालों को घी में भून लेंगे। घी में भूनने से इनका एरोमेटिक फ्लेवर अच्छे से सब्जी में आ जाएगा। गरम घी में 2 लौंग, 2 खुली हुई हरी इलायची। इलायची को घी में रोस्ट करके मिलाने से सब्जी का फ्लेवर इनहेंस हो जाता है। 4 से 5 साबुत काली मिर्च डालने से ग्रेवी में मीठे के साथ थोड़ा तीखा फ्लेवर आएगा। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालें। जीरा मिलाने से ग्रेवी में महक और जायका बढ़ जाता है। वो 3 सेकंड्स के लिए मसाले को भून ले। अब अंगूर को पैन में डालें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें 2-3 मिनट के लिए लगातार भूनने। आप सोच रहे होंगे ना कि हमको पता कैसे चलेगा कि अंगूर कितनी देर तक भूनना है। तो अंगूर से जब तक पानी ना सूख जाए तब तक भूनते रहना है। आप देख सकते हैं अंगूर से मॉइस्चर सूख चुका है और साइड से घी भी छोड़ने लगा है। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालें। आप चाहें तो अंगूर की जगह लीची से भी ये शाही सब्जी तैयार कर सकते हैं। दोनों के स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे लगातार घुमाते रहें। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखें। अगर आप फ्लेम तेज रखेंगे तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। इन सबको मीडियम फ्लेम पर लगातार घुमाते जाएं, जब तक मसाला अच्छी तरह भुन न जाए। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं, तो शाही पनीर की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं, तो दही और पुदीना के साथ लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इसे 1-2 मिनट के लिए ढक के पकने दें। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह कुक हो रहा है और साइड से घी भी छोड़ने लगा है। अब ग्राइंडिंग जार में बचे हुए मसाले में थोड़ा पानी डाल के सब्जी में मिला लें। आप अपने हिसाब से ग्रेवी में पानी कम ज्यादा मिला सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिलाएं। जैसा कि नाम से ही ये शाही सब्जी है, तो शाही फ्लेवर लाने के लिए 2 से 3 चम्मच जितना केसर भिगोया दूध मिलाएं। मैंने 15-20 मिनट पहले ही गुनगुने दूध में केसर के कुछ दागे भिगोने रख दिए थे। सब्जी को अच्छी तरह घुमाएं और एक उबाल आने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर खुला पकने दें। आप देख सकते हैं सब्जी अच्छी तरह बॉइल हो रही है। अब इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के पकने दें। अगर आपके पास अंगूर है तो ये शाही सब्जी जरूर बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अंगूर को पकने में समय नहीं लगता। बस 2 मिनट में ये सब्जी तैयार है। महक के लिए 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और तैयार शाही अंगूर की सब्जी को मिला लें। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सब्जी रेडी हो चुकी है, शाही अंगूर की। अंगूर और ग्रेवी दोनों अच्छी तरह पक चुके हैं। आप इस सब्जी को ताज़े पुदीना से गार्निश करें और रोटी, नान या फिर जीरा राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।